नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नाइट्रोफुरंटोइन की सिरप के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक दवा है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज किया जाता है। आजकल गर्मियों का मौसम है और जो पेशाब की या यूरिन की जो समस्या है वो एक आम समस्या हो जाती है कि पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब में जलन होना या फिर जलन के साथ साथ में पेट में दर्द होना। तो ये समस्या बच्चों में भी हो सकती है, इसलिए इसकी जो सिरप है नाइट्रोफुरंटोइन, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं नाइट्रोफुरंटोइन क्या है। नाइट्रोफुरंटोइन एक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। बैक्टीरिया को किल करके जो इन्फेक्शन हुआ है यूटीआई के अंदर, उसको इसको ठीक करने में काम लिया जाता है। अब जान लेते हैं नाइट्रोफुरंटोइन के यूज क्या है। नाइट्रोफुरंटोइन के जो यूज हैं वो, अगर किसी बच्चे के पेशाब में जलन है या पेशाब में दर्द हो रहा है या रुक रुक कर पेशाब आ रहे हैं या बार बार में पेशाब करने से पेट में भी दर्द हो रहा है, उसके अंदर इस दवा का यूज लिया जाता है। इस दवा का यूज किडनी की किसी इन्फेक्शन में नहीं लिया जाता, ना ही कॉमन कोल्ड या फ्लू या वायरल इन्फेक्शन होता है, तब भी इस दवा का यूज नहीं ले सकते। ये एंटीबायोटिक है लेकिन ये कॉमन कोल्ड, फ्लू और वायरल इन्फेक्शन में यूज नहीं किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ यूटीआई का जो इन्फेक्शन है या पेशाब की थैली में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, उसमें इस दवा का यूज लिया जाता है। अब इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे भूख कम लगना, सर में दर्द हो सकता है बच्चे के, डार्क और ब्राउन कलर का यूरिन आ सकता है। तो इससे भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दवा का साइड इफ़ेक्ट है। डार्क और ब्राउन कलर का जो यूरिन है वो आ सकता है। इसके अलावा बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, कुछ हाथ पांव में सूनापन भी आ सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अब जान लेते हैं इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसके बारे में, वो है बच्चे की डोज के बारे में, कि ये जो सिरप है उसकी डोज बच्चे को कितनी दी जाए। बच्चे को इसकी डोज दी जाती है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। सिरप के अंदर जो इसकी स्ट्रेंथ है सिरप में, वो 25 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि जो 25 mg की जो दवा है वो 5 ml के अंदर आती है। ये आपको इस सिरप की स्ट्रेंथ मैंने समझाई है। अब जान लेते हैं बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग कैसे इस दवा को कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोफुरंटोइन की जो डोज है वो 5 से 7 mg पर kg पर डे, मतलब कि पूरे दिन में देनी है। एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए किसी बच्चे का वजन है 5 kg, तो उस बच्चे का जो पूरे दिन की जो डोज है वो होगी 25 mg, 12.5 mg सुबह और 12.5 mg शाम को। इस तरीके से इस की जो डोज है वो कैलकुलेट की जाती है। तो शायद आपको वीडियो समझ में आया होगा और डोज का जो पोर्शन है, शायद उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको समझ में आया। और अगर किसी भी प्रकार की डोज के बारे में, बच्चे की डोज के बारे में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊँगा मेडिसिन से जुड़े हुए, तो आप इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।